भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का गाना महादेव का दीवाना एक तरफ सभी की नज़रों में धूम मचा रहा है और लोगों को दीवाना बना रहा है, तो वहीं ज्योति सिंह की ये फ़ोटो और ये वीडियो लोगों को दीवाना बना रही है। जी हाँ, ज्योति सिंह नदी के किनारे बैठी हैं और रेत से बना रही हैं शिवलिंग, और इस शिवलिंग को बनाने में वो इतनी मगन हैं कि उन्हें ये भी याद नहीं है कि पीछे से लहरें भी आ रही हैं। खैर, चलिए आपको बताते हैं कि पवन सिंह का ये गाना 3 करोड़ लोगों ने 2 हफ्ते में देखा है, यानी 30 मिलियन व्यूज़ पहुंच गया है। लोग इस गाने को बहुत पसंद कर रहे हैं। जब से ये गाना आया है तभी से लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और फिर ज्योति सिंह का ये पोस्ट डालना, आज ही इंस्टाग्राम पर उन्होंने ये पोस्ट डाला और बाद में उसके नीचे कैप्शन भी शिव के बारे में यानी भगवान शंकर के बारे में ही लिखा। खैर, इसे देखकर यही लग रहा है कि पति पत्नी दोनों महादेव के दीवाने इस सावन में हो चुके हैं। महादेव का दीवाना से रिलेटेड ज्योति ने तो कोई पोस्ट डाला नहीं, लेकिन उनका ये पोस्ट ये बताता है कि वो भी किस कदर महादेव की भक्ति में मग्न रहती हैं। और अब आपको बता दें कि पवन सिंह के कई और गाने आने वाले हैं। ये तो इस बार सिर्फ 4 गाने आए, लेकिन इन 4ों ने खूब धूम मचाई। अकेले पवन सिंह का एक महादेव का दीवाना हूँ सभी पर भारी पड़ा। खैर, अब जो पवन सिंह नए नए धमाके करने वाले हैं उसे भी आप सुन लीजिए। जल्द ही 4 तारीख को आएगा इनका लोकगीत, फिर उसके बाद राजस्थानी घाघरा, फिर उसके बाद घातक, फिल्म घातक का गाना। जी हाँ, घातक का गाना जल्द ही रिलीज़ होगा। सावन के गीतों के कारण घातक का गाना रिलीज़ नहीं हुआ। जी हाँ, अब घातक का गाना रिलीज़ होगा। फिल्म घातक का एक गाना है तोर सूरतिया, जो कि काफ़ी फेमस हो रहा है। उसकी क्लिपिंग इतनी तेज फेमस हो रही है, छोटी सी क्लिपिंग है लेकिन शहर अफसा और पवन सिंह का ये गाना धमाल मचा रहा है। रोमांटिक नंबर है, लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।